मैं शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी एग्जैक्टली गैप अप खुलने के बाद और कंटिन्यूअस बेसिस मार्केट ऊपर जाती रही। अब हम दो दिन से लगातार देख रहे हैं कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा रिवर्सल और एक टर्न अराउंड दिया है। क्या ये एक रिवर्सल सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, मतलब क्या रीजन है मार्केट में? हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे एक डाउनफॉल देख रहे थे, कुछ बढ़िया सपोर्ट लेवल्स भी हम लोगों को ऑन अ डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रहे थे, वो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ब्रेक हो रहे थे। बट इवेंचुअली ऐसा क्या पॉइंट आया कि मार्केट ने गैप अप के साथ टर्न अराउंड दिया, वो भी दो दिन। अब तीसरा है, कल एक्सपायरी है ऑन अ वीकली एक्सपायरी पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, बिकॉज दो दिन पहले हमारा जो पूरा सेंटिमेंट था वो था बियरिश। कल की मार्केट हम लोगों ने देखी तो कल की मार्केट का हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि आज के मार्केट से एक डिसीजन लेंगे कि मार्केट का क्या पॉइंट है, कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट आज की मार्केट भी गैप अप को ली ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ऊपर गई। सो फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड बाय ऑन डिप्स की सलाह, मतलब अगर मार्केट नीचे डिप दे रही है तो उस समय बाय कर लेना है, बिकॉज पुट राइटर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए और कॉल बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। मैंने देखा था कि कॉल राइटिंग से ज्यादा कॉल बाइंग हो रही है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स करना, अगर कल छोटी डिप आती है तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बड़ी मूवमेंट दोबारा आ सकती है, या फिर कल मार्केट पूरे दिन रेंज बाउंड रह सकती है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो वो सारी चीजों को चेक करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ तीन स्टॉक्स की भी बात कर ही लेते हैं। सो गाइस, मेरा सबसे पहला स्टॉक है जेकॉब लिमिटेड में अगर हम लोग चेक करें तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कोई पैटर्न नहीं बना हुआ, ये सिर्फ साइकोलॉजी और एक इंट्रोड्यूशन है जिसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को ये स्टॉक आज टेलीग्राम पे भी दिया था और मैं अभी भी दे रहा हूँ। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, मतलब एक स्विंग ट्रेड है, एक महीने के पर्पस से मुझे लगता है एक अच्छे लेवल्स पे ये आ सकता है। सो लेट मी शो यू। सबसे पहली चीज हमने देखा था शुरुआत में क्या हुआ, क्योंकि ना एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर था, तो ये टर्न अराउंड पहले हमें समझना है कि जो टर्न अराउंड आता है ना, जब भी कोई स्टॉक को स्टडी करते हो तो अगर वो एक रिवर्सल आता है तो पहले समझना है कि वो रिवर्सल आया, उसने कुछ ब्रेकआउट दिया, फिर वो नीचे आया, तो वो जब वो नीचे आ रहा है क्या वो दोबारा डाउन ट्रेंड का सिग्नल है या रिवर्सल का सिग्नल है। तो वो पास्ट से स्टडी करते हैं कि वो रिवर्सल कैसा आया था, ठीक है। तो ये अभी एक डाउन ट्रेंड चैनल, एक डाउन ट्रेंड रेंज के अंदर था। हुआ क्या, ऊपर एक बुलिश मूवमेंट दी, रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा एंड फाइनली ब्रेकआउट दे दिया, मतलब एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, प्रीवियस हाईस को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ऊपर चला गया। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया। इस लेवल पे इसने फिर एक रेंज बनाई, इस लेवल पे इसने डबल बॉटम क्रिएट करा ना वीकली टाइम फ्रेम, और यहां से अब ये दोबारा ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर गया। अब आप देखेंगे ये बॉटम से ये टॉप तक जो फिबोनाची जब ड्रॉ करा गया था, एग्जैक्टली 61% पे इसने रिजेक्शन फेस करे, वो भी लगातार दो हफ्ते रिजेक्शन फेस करे, एंड वहां से फिर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हम लोगों को इस हफ्ते देखने को मिली है, ठीक है। अगर मैं इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न को एक्सटेंड कर दूं तो हमें पता चल रहा है यहां पर जब इसने ब्रेकआउट दिया था ना, तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर रीटेस्ट होके अब ऊपर गया है आफ्टर क्रिएटिंग अ डबल बॉटम, ठीक है। सो यहां पर इसलिए मैं स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं। दूसरा रीजन क्या है, आपको देख रहे हो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है, और आई एम अज्यूमिंग कि एक शोल्डर दोबारा बना के एक ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो शोल्डर का डिफरेंस है ना और ये जो ब्रेकआउट के समय जो डिफरेंस होगा सेम होगा, वो आ रहा है एग्जैक्टली इसका टॉप, ये जो डिफरेंस है और ये जो शोल्डर का डिफरेंस है एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कि हम मान के चल रहे हैं अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ये इस लेवल तक आता है इसका ब्रेकआउट होता है तो अपने प्रीवियस हाइस तक इजिली जा सकता है, क्योंकि वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट होगा। सो मैं हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग वेट करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट का। मुझे इस लेवल पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि मुझे लगता है ये यहाँ तक तो बहुत इजीली पहुंच जाएगा और ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसी लेवल पे सजेस्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, ऑलमोस्ट 120 के आसपास होगा, और मेरा तो स्टॉप लॉस वैसे 108 रुपए का है, बट हमें बाय ऑन डिप्स बीच में नहीं करनी है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स आएगी तो साइडवेज और दिन के लिए चल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्लियर कट ब्रेकआउट चाहिए और हमें अगर हायर लेवल्स पे मिल रहा है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। सो करंट प्राइस इज 140 रुपीज गाइस, आप 140-138 के आसपास ही बाय करना है, क्योंकि वो एक अच्छा लेवल है एंड पहला टारगेट 170 का मान के चल रहे हैं, दूसरा टारगेट 200-220, मतलब एक्सीड करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये था हमारा पहला स्टॉक, बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। अगर मैं बात करूं ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में हम लोग बहुत टाइम से वीकनेस देख रहे थे, तो मार्केट गिरी थी, ये तो सबसे ज्यादा सेक्टर गिर रहा था।
बट अभी जब से मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुई ना, ये सेक्टर और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड लेट मी शो यू कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ऐसा क्या डेवलप हो रहा है। सबसे पहली चीज, ऊपर वाली रेड लाइन पे फोकस करना है। ये इसका लाइफ टाइम हाई था जो कि दिसंबर 2017 का था। उसने इस लेवल के पास आया था एग्जैक्टली, हल्का सा एक दिन ऊपर गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था उसी दिन, और वो दोबारा नीचे आ गया था, बहुत बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला था। बट इसे हमने एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर लिया था। दूसरी चीज, ये आप अब इस रेड लाइन को फोकस करेगा। इस रेड लाइन के नीचे ये बहुत टाइम तक सस्टेन करता रहा, बहुत टाइम तक, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो एक साल तक ये इसके नीचे सस्टेन करा, एक से डेढ़ साल तक, और फाइनली ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट दिया, तो यानी कि ये एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया था। बट ब्रेकआउट देने के बाद ये भी एक हर्डल था, देख रहे हो मल्टीपल सपोर्ट्स थे। अब आप इस साइकोलॉजी को समझना, आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके एक बड़ी मूवमेंट आई, ठीक है, आफ्टर अ गुड ब्रेकआउट, इस रेंज पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, एक बढ़िया मूवमेंट आई, फिर आया ना रीटेस्ट करने जब ये आया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। आप देख रहे हो एक विक रिजेक्शन और एक अभी जो रिसेंट एक फॉल आया था और वहां से अप मूव गया था। तो हम देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ डबल बॉटम, इट गेव अ रीटेस्ट, और अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या ये रीटेस्ट के बेसिस पे ही हम लोग अपना ट्रेड ले लें? नहीं, ये बॉटम है, ये मेरा टॉप है, इस पे फिबोनाची बनाते हैं, ये मेरा बॉटम है एंड दिस इज माय टॉप। एग्जैक्टली फिबोनाची के बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा अगर आपको डार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा 50% का फिबोनाची का सपोर्ट है, यानी कि पूरे मूवमेंट का 50% गिरा, वहां पर इसने एक बेस क्रिएट करा और वहां से ऊपर जाने की स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से स्टॉक पे भी हम लोग एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं, ये भी दिसंबर में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इसको भी स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर हम लोग ऐड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, हमारा तीसरा और लास्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के अंदर भी एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। सबसे पहले ब्लैक लाइन की तरफ अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इसका एक न्यू लाइफ टाइम हाई था, ठीक है। यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल आया था, और फॉल आने के बाद ये फॉल आया कब था आप देखेंगे, ब्रेकडाउन कब आना स्टार्ट हुआ था, फेब 2020 में, और ब्रेकआउट इसने दिया अक्टूबर 2021। तो मतलब हम मान के चले डेढ़ साल के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या करा, इसने ऊपर की तरफ एक हायर हाइज कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन क्रिएट करा, नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल पे आया, एक हैमर कैंडल क्रिएट करी, नीचे आया। अब आप देखिएगा सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ना जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ था, जब इसने ब्रेकआउट दिया, एक नीचे से रिजेक्शन आया, एक ऊपर से रिजेक्शन आया। अब हम क्या करते हैं, जनरली हमें चाहिए है कि ऊपर वाला रिजेक्शन का ब्रेकआउट दे या फिर नीचे वाले रिजेक्शन का ब्रेकआउट दे, तो हम लोग उस तरफ ट्रेड लेंगे। ऊपर तो ब्रेकआउट दे नहीं पाया, नीचे भी देने वाला था बट नहीं दिया इसने, और ब्रेकआउट इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर दे दिया, ठीक है। तो हमारे लिए एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, मतलब अगर कल 20-25 रुपए की भी फॉल आती है तो भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने के लिए। दूसरी बात, ये ट्रेंडलाइन देख रहे हैं, ट्रेंडलाइन का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला, और यहीं पर इसने डबल बॉटम भी क्रिएट करा है। अब तीसरी चीज, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ फिबोनाची, ये मेरा बॉटम है क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, ये मेरा टॉप है। आप देखोगे एग्जैक्टली 78.6% पे इसने एक अप मूव देना स्टार्ट करी। अब आप खुद गेस करके बताओ कि ये कौन सा पैटर्न है। मैं सिर्फ नाम यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पैटर्न का नाम नहीं बताऊंगा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इस पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न बना, इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो ऊपर क्लोजेस्ट वाला रिट्रेसमेंट था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी। सो मेरे हिसाब से अगर कल ये डिप देता है 1945-1950 के आसपास अगर ये आ गया तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब बात करते हैं सर जी टारगेट्स क्या होंगे इसके। सो टारगेट्स के लिए हम लोग सी पॉइंट से डी पॉइंट तक एक फिबोनाची दोबारा ड्रॉ करते हैं, और हम जनरली मान के चलते हैं कि 50-61% के आसपास इस रेंज के अंदर अंदर ही एक टारगेट बनता है, जो कि ऑलमोस्ट अपने करंट लेवल से भी 70-80 points ऊपर है, ठीक है, 70-90 points ऊपर है। तो हम लोग वहां पर एक एज्यूम करके चल सकते हैं कि ये एक बड़ी मूवमेंट अभी भी दे सकता है। बट अगर डिप आएगी तो एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा और टारगेट बड़ा मिल जाएगा, बट अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। सो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ, एफआईआई के डाटा के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, अगर आप लोग नए हो पहली बार देख रहे हो, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो और अगर आप तक ने सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बन रही है गाइस, एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए कि हमारे भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी जरूर दबा देना। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। तो गाइस हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, अभी मैंने ना सिर्फ डेली चार्ट ओपन करा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ समझना चाहते हैं।
अब आप देखिएगा हुआ क्या, पहले तो एक फॉल आया, एक पुल बैक दिया और एक दोबारा फॉल आया। अब बॉटम को समझते हैं, क्या ये बॉटम स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने देखा था कि यस, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज, ये एक बियरिश कैंडल बनी, अभी तो हमें बॉटम पता नहीं है, हमें पहले बॉटम आइडेंटिफाई यहां से पता चलेगा। ठीक है, ये एक बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद ये एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनी। रिजेक्शन आया कहां से, इस बॉटम से आया, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। इसके बाद ये दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर जाने के बाद ये दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आने के बाद इस लेवल से रिवर्सल दिया और गैप अप के साथ ऊपर गया। ये देख रहे हो, इस के बाद गैप अप के साथ ऊपर गया, तो यानी कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सबसे पहला तो यही होगा, दूसरा ये होगा ना, पहले ये ब्रेक होना चाहिए। हुआ क्या, ऊपर गया ऊपर गया, इसने अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक नहीं करा, ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई हुआ ना। जो भी इजी है, जिन लोगों को पहली बार ये समझ रहे हैं, जो बिगनर्स है टेक्निकल एनालिसिस में, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना इस चीजों को। इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हुआ, ऊपर गया यहां से रिवर्स करा, बट आप याद देखिएगा ये बुलिश मूवमेंट नहीं थी, मतलब ये एक रिवर्सल नहीं था। क्यों, ये इसका पहला हाई था, पहले हाई के ऊपर ये गया। अगर इसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं गया, एक हायर हाई क्रिएट नहीं करेगा, तब तक एक बुलिश मूवमेंट या बुलिश रिवर्सल नहीं आता। ठीक है, ये दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आया। अब इसने डेली कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे, तो इसने दिया है इस नेक लाइन, जो पहला सपोर्ट था इसके नीचे। और हम लोगों ने उस दिन बात करी थी कि अब अगर ये जो छोटी सी विक देख रहे हो ना, मैं ये बना रहा हूं, ये देखो, ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये छोटी सी विक है इस कैंडल की। हमने डिसीजन लिया था इसके नीचे जैसे ही खुले या जाते रहे, हमें शॉर्ट करना, हमारा अब ये सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे से ने क्लोजिंग दे दिया। हुआ क्या, अगले दिन एक गैप अप हुआ और एक अच्छी मूवमेंट के साथ क्लोजिंग दी। इस दिन हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में बात करी, हो गया कोई बात नहीं, बट हम लोगों को सबसे पहले एक और बुलिश कैंडल चाहिए जो प्रीवियस हाईस के ऊपर चली जाए। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये इसका पहले हाई था, फिर ये बना, अब यहां से ये हाई बना और इसने अपने इस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ गुड साइन। अब हमें बाय कब करना है, अभी करंट प्राइस है 17,469 रुपीज। प्रीवियस स्विंग हाई का टॉप क्या है, ये लेवल, लेट मी शो यू, ये लेवल है जो कि आ रहा है 17,492 रुपीज का। अगर कल इसके ऊपर जाएगा तो एक बाइंग आएगी, बट इस बात को याद रखना, मार्केट स्ट्रेट मूवमेंट नहीं देती है ना, स्ट्रेट डाउनफॉल देती है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, पहले फॉल आती है, फिर छोटा सा पुल बैक लेती है, फिर फॉल आती है, तो वो यही हो सकता है कि ब्रेकआउट तो दे दे, ब्रेकआउट देने के बाद एक बार नीचे आएगी, वहां पर हम लोगों को बाय के मौके सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने एक कंफर्मेशन ले ली कि एक हायर हाई बन गया, दूसरा कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है रिवर्सल के लिए कि एक लोअर लो भी, हायर लो बनना चाहिए। एक लो ये है, अगर कहीं यहाँ लो बन के ऊपर चला गया तो एक हायर लो भी बन गया। ये दो कंफर्मेशन से पता लगाते हैं कि एक रिवर्सल आ रहा होता है, ठीक है, या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर कल हम इसके ऊपर बाय करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर ब्रेकआउट देने के बाद वो साइडवेज भी जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कल हम लोग पहले चेक करेंगे, मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रीमियम अगर हाईज है तो डेफिनेटली हम लोग कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करके चलेंगे, अगर प्रीमियम कम है तो हम लोग ऑप्शन को बाय करके भी चल सकते हैं। ये चीज आप अपना होमवर्क है, आप लोग चेक करके रखिएगा कि अगर प्रीमियम आपको कम लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग बाय करके चलना ऑप्शन को, अदरवाइज आप लोग पुट राइटिंग करके चलना, वहां पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सिमिलर स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, यहां पर मैं आपको एक ऐसा एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूँ जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है, हर चीज ट्रेडिंग के ऊपर नहीं लेकर जाते। ठीक है, देखिएगा वरना कंटिन्यूस फॉल आ रहा था, छोटी 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 कैंडल्स बनती थी, और अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, कोई ट्रेडर ने आपको बोला होगा, जब बड़ी बड़ी कैंडल से छोटी छोटी बनने लग जाना वो एक रिवर्सल का सिग्नल होता है, बट ये नहीं बताते कि वो रिवर्सल आएगा कब, कब छोटी कैंडल्स खत्म होगी। ये छोटी कैंडल्स बनने बनने के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और यहाँ से हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिला, बट भाई एक दोबारा डाउन ट्रेंड आ गया। तो विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये नहीं है कि आज मैंने ट्रेड नहीं लिया यार, एक ट्रेड तो मैं ले ही लेता हूँ, मैंने सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया, ये गलती जो भी करेगा कि यार मैंने 2 दिन से ट्रेड नहीं लिया, मुझे हर दिन एक ट्रेड तो चाहिए, वो बंदा नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। बहुत मुश्किल से ट्रेड मिलते हैं और वो सोच समझ के लेने चाहिए। सुनिए अब क्या हुआ, बियरिश कैंडल, नीचे से रिजेक्शन आया, ये लेवल, ये लाइन स्ट्रांग है ना, ये पहला दूसरा सपोर्ट ही है, फिर ऊपर से इतना खतरनाक रिजेक्शन आया, तो ये एक रेजिस्टेंस भी हुआ और फिर ये नीचे आया। हुआ क्या, ये ऊपर गया इसी लेवल पे, इसने रिजेक्शन फेस करा, दोबारा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया इस लेवल पे, रिजेक्शन फेस करा, नीचे आ गया।
आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ और ऊपर जाते रहा। यानी कि अब क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा ये पहले ड्रॉप था, ये कहता है ये एक ड्रॉप है, ड्रॉप के बाद एक बेस क्रिएट हुआ और बेस क्रिएट होने के बाद अब एक रैली स्टार्ट होगी। देखिए कुछ तरीके के पैटर्न्स होते हैं, एक फॉर्मूलाज होते हैं सिंपल जो बिगिनर्स के लिए होते हैं, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप हो रहा है, एक बेस क्रिएट कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब जो पहला ड्रॉप का ट्रेंड था वही ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। रिवर्सल क्या होता है, ड्रॉप बेस और अब रैली स्टार्ट हो गई, यानी कि पहले तो गिरावट हो रही थी रुक गया और अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो वो एक रिवर्सल हो गया। ये एक साइन रिवर्सल का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये फॉल आई, फॉल आने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर जा रहा है, तो इसने अभी तक अपना हाई ब्रेक नहीं करा, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है। इस हाई को ब्रेक करना है जो कि 37,890 रुपीज पे आ रहा है और ऑलमोस्ट अपने इस लेवल से 500 से 600 पॉइंट दूर है। तो यानी कि अगर कल रैली आनी होगी तो इस लेवल पे से रिजेक्शन मिल सकता है और इस लेवल पे जाके रुक सकता है, बट इस लेवल तक ही इजिली जा सकता है। सो आई होप आप लोगों ने आज कुछ ऐसा सीखा होगा, अगर कोई बिगनर है, आई डोंट नो अबाउट एडवांस ट्रेडर्स, क्योंकि उन्हें ये बेसिक चीजें पता है। अगर ये आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल। और अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा एफआईआर डाटा की और वीडियो को एड करते हैं। वो वीडियो लंबी हो गई होगी बट आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, बेसिक चीज में आप लोगों ने एडवांस लर्निंग पाई होगी डेफिनेटली। चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ। सो अभी के लिए मैंने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन करा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो हैवी पुट राइटिंग हमें 37,000 पे देखने को मिल रही है और 37,000 से लेके 36,500 से लेके 37,200 तक कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखें तो कॉल हैवी कॉल राइटिंग हम लोगों को 38,000 और 37,500 पे देखने को मिल रही है और हैवी पुट राइटिंग 37,000 पे, तो यानी कि 37,000 का दो बेस बन गया। तो यानी कि कल अगर एक फॉल आती है तो हमें 37,000 के आसपास एक बाइंग का मौका मिल सकता है, ठीक है। एक बार बात करते हैं निफ्टी की, हम लोग सेल साइड में तो अभी नहीं जाएंगे। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स भी एक्टिव है, पुट राइटर्स भी एक्टिव है, दोनों आसपास है, तो यानी इस पर थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर इस पर थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है और ये एक्सपायरी कल की है तो यानी कि कल का ट्रेडिंग सेशन है थोड़ा सा अप ट्रेंड के बाद या तो साइडवेज रहने वाला है या अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड, इस तरीके से मार्केट रह सकती है। बिकॉज ये डाटा आपको देखकर पता चल रहा होगा दोनों के बीच फाइटिंग होने वाली है। तो मेरे हिसाब से हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि कल शुरुआती में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें पहले हमें ऑब्जर्व करने की ट्रेंड क्या होने वाला है पूरे दिन और फिर उस हिसाब से अपना पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। एफ आई आर डाटा की अगर हम लोग बात करें, कॉल अभी भी 1.5 लाख क्वांटिटी है, पुट अभी भी 2.343 लाख क्वांटिटी है। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर अब बाय करा हुआ है, दो दिन से लगातार बाय कर रहे हैं बट अब उन्होंने ऑलमोस्ट 1/4 क्वांटिटी बाय करी है जितनी उन लोगों ने पिछले दिन करी थी। डेफिनेटली उन लोगों का एफ आई आर का ये जो शॉर्ट का टाइम था, ये 500 करोड़ उन्होंने एग्जिट करे है, कैश सेलिंग करी है, बट अब कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा ज्यादा हजारों में थी, अब 100 में हो गई है, तो ये चीज अच्छी हुई है। तो अब देखते हैं शायद करते करते ये पॉजिटिव में भी आ जाए तो मार्केट का एक टर्न अराउंड और कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये पूरी डाटा एनालिसिस करने के बाद हमें कंक्लूजन में आते हैं कि हमें क्या ट्रेड कर लेना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा एंड डू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।